नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है कंपैरिजन बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सिस्टम्स। तो इससे पहले हम अपना वीडियो आगे स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम जो होते हैं हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिकली क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम आज जानते हैं। अंडरग्राउंड सिस्टम ओवरहेड सिस्टम फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हैज़ न्यूमरस एडवांटेजेस। जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है वो ओवरहेड सिस्टम के मुकाबले, इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले, अंडरग्राउंड सिस्टम इज मोर सेफर देन ओवरहेड सिस्टम, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वो ये हैं कि एक तो इट इज मोर सेफर, क्योंकि ये सेफ बहुत है। वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जो इसको इसकी जो रखरखाव की या मेंटेन करने की जो कॉस्ट होती है उसकी बहुत लो होती है। फ्यू चांसेस ऑफ पावर फेलर, पावर फेल होने के या इंटरप्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड एक्सीडेंट्स भी कम होने के चांसेस होते हैं। पावर फेलर के दौरान पावर फेल होना या एक्सीडेंट्स होने के चांसेस उसमें बहुत कम रहते हैं। लो वोल्टेज ड्रॉप बिकॉज ऑफ लो इंडक्टेंस, इसकी जो, क्योंकि इसमें लो इंडक्टेंस होता है तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप भी लो रहती है। गुड लुकिंग, ये देखने में भी अच्छा लगता है। फ्री फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म्स, इसमें जो बिजली कड़कती है या लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म होता है तो उसकी वजह से इसमें डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। ये फ्री होता है, डैमेज नहीं हो सकता इसमें। अगर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म आता है कभी तो ये इसके डैमेज होने के या खराब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नो इंटरफ्रेंस टू कम्युनिकेशन सर्किट्स, जो कम्युनिकेशन सर्किट्स होते हैं लाइक टेलीफोन वायर हो गए, टेलीफोन लाइंस होती हैं या कोई आपकी और चीज़ें हो गई, तो उसमें कम्युनिकेशन सर्किट में इंटरफ्रेंस नहीं रहता। इंटरफ्रेंस बिल्कुल ये दूर कर देता है तो इसलिए डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होता है। एंड स्मूथनिंग डाउन ऑफ सर्ज इफेक्ट्स, जो सर्ज इफेक्ट्स होते हैं उसको ये स्मूथ कर देता है, मतलब उसको बिल्कुल स्मूथ डाउन कर देता है सर्ज इफेक्ट्स को। द ड्रॉबैक्स ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम ओवर ओवरहेड सिस्टम, जो इसके जो मेन ड्रॉबैक्स होते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम के एज कंपेयर टू ओवरहेड सिस्टम के, वो ये होते हैं हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। लो फ्लेक्सिबिलिटी इन लेआउट, इसका जो लेआउट हम करते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रह जाती है। लिमिटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो वोल्टेज हम इसको ऑपरेट करते हैं उसकी वोल्टेज भी लिमिटेड ही होती है, उस लिमिट के अंदर ही हम उस वोल्टेज को ऑपरेट कर सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। डिफिकल्टी इन फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर, चूंकि अंडरग्राउंड होता है तो हमें कहीं भी कहीं फॉल्ट आया तो हम उसको इजीली देख नहीं पाते, हमें पता नहीं लग पाती फॉल्ट कहाँ पे आया, तो हम इसलिए उसकी हम रिपेयरिंग भी नहीं कर पाते। जब हम फॉल्ट को ही नहीं देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे, तो हम उसका रिपेयर भी इजीली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हायर चार्जिंग करंट, इसमें जो चार्जिंग करंट होते हैं बहुत हाई होते हैं, उनके चार्जिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इसके। एंड डिफिकल्टी इन जॉइंटिंग ऑफ केबल्स, जो हम केबल को जॉइंट करते हैं उसमें भी हमें बहुत परेशानियाँ आती हैं, मतलब हमें बहुत परेशानी और डिफिकल्टी उत्पन्न होती है जब हम केबल्स को जॉइंट करते हैं अंडरग्राउंड। दी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट बाय ओवरहेड सिस्टम ड्यू टू लो कॉस्ट, जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो ओवरहेड सिस्टम के द्वारा ही हम करते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत लो रहती है, इसलिए हम ओवरहेड सिस्टम को चूज करते हैं हाई वोल्टेज करंट को, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक डिफरेंस था ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम के बीच में, जो मैंने आज यहाँ पे कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी मेरे वीडियो के द्वारा, कुछ जान पाए होंगे आप अंडरग्राउंड सिस्टम और ओवरहेड सिस्टम के बारे में। और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आगे चल के भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करता रहूँगा,
जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है और जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम से भी आते हैं, तो वो मैं आगे भी कवर करता रहूँगा। और इसी तरह मेरे चैनल को कृपया करके सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।